बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ठंडे और गर्म घास के मैदान। तो मैंने सब तो महाद्वीप बनाए हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आपके अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे जो ये क्षेत्र होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, यानी के कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि हमने जितने भी घास के मैदान इस रेखा से इस रेखा के बीच में लिखूंगा वे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो गए, यानी कि कह सकते हो आप गर्म घास के मैदान हो गए, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता, मकर रेखा से नीचे नहीं आता। जो सारा यहां से लेके यहां तक गर्म क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है लंबवत, 21 जून मार्च अप्रैल मई जून 21 जून को कर्क रेखा का लंबवत चमकता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दोबारा चमकता है, और आपके 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी कि कर्क रेखा से सूर्य ऊपर नहीं जाता, मकर रेखा सूर्य नीचे नहीं जाता। तो जितने भी घास लिखूंगा मैं इस क्षेत्र में यहां से यहां तक वे सारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो गए, और जो इनसे नीचे लिखूंगा मकर रेखा से नीचे कर्क रेखा से ऊपर वे सारे शीतोष्ण घास के मैदान हो गए, यानी कि ठंडे घास के मैदान हो गए। तो शुरुआत करते हैं, एक देश पड़ता है यहां जिसका नाम है वेनेजुएला। तो क्वेश्चन आता है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा लाओस। तो लाओस जो घास के मैदान है कैसे है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। एक देश पड़ता है यहां पे आपके ब्राजील, कौन सा देश पड़ता है, ब्राजील। तो ब्राजील में जो घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं, तो कैंपास, और कैंपास ऑप्शन में ना हो तो उसको कहते हैं कंपास। तो ब्राजील की जो घास के मैदान है उसको कैंपास या कंपास कहते हैं। तो ये कैसे हुए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब यहां पर एक अमेज़न नदी बहती है जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है, ब्राजील में है। विश्व की दूसरी लंबी नदी है, विश्व की प्रथम छोटी नदी है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो अमेज़न नदी है कौन सी नदी है ये, अमेज़न। तो अमेज़न नदी के जो घाटी के घास के मैदान होते हैं, अमेज़न नदी के घास के मैदान को क्या कहते हैं, अमेज़न नदी के घाटी के घास के मैदान को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सेलवास। तो वेनेजुएला के हो गए लाओस, ब्राजील के हो गए कैंपास या कंपास, अमेज़न नदी के घाटी के घास के मैदान को सेलवास कहते हैं। तो आप याद रखना कि इधर मैंने कितने पढ़ाए, 3, और कैसे है उष्ण कटिबंधीय है। अब बात करेंगे थोड़ी सी अफ्रीका की। अगर सीधा क्वेश्चन क्या होगा कि अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए पाकलैंड। कैसे है ये, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। लेकिन अगर कहे कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका की घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सवाना। ये भी कैसे है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर कहे कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सवाना। घास के मैदान यहां भी है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग बनता है। अगर कहता है कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, आपका आंसर होगा सवाना। लेकिन अगर कहे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना। तो आपको याद रखने हैं कि जो मैंने उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़ाए हैं, एक
दो तीन चार पांच छह, ये जो छह पढ़ाए हैं ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कह सकते हो आप गर्म घास के मैदान है। अब बात करेंगे शीतोष्ण घास के मैदान की। यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन सा देश है? यहाँ अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो कैसे घास का मैदान है? शीतोष्ण। अब यहाँ एक देश पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान क्या कहते हैं? वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका घास का मैदान क्या कहते हैं? वेल्ड। ये भी कैसा हुआ? शीतोष्ण घास का मैदान हुआ। अगर सीधा कहे कि ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा डाउन्स। डाउन्स क्या होगा? डाउन्स। देखो ऑस्ट्रेलिया से अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर कहे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को सवाना, अगर सिंपल लिख दे कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं सवान और डाउन्स, क्यों? डाउन्स का एरिया बहुत ज्यादा है यहाँ। देश पड़ता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं आप न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, दक्षिणी न्यूजीलैंड है। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से जो अलग करता है कुक जल संधि है, और दक्षिणी न्यूजीलैंड पे दक्षिणी अल्पस पर्वत भी है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो न्यूजीलैंड के जो घास के मैदानों, मैदानों क्या बोलते हैं? कैटबरी। तो न्यूजीलैंड के घास के मैदानों क्या कहते हैं? कैटबरी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखोगे, अगर कैटबरी ऑप्शन में ना हो, कभी कभी कटरीना लिख देता है बड़े पेपरों में, तो कटरीना इसकी जगह आंसर होगा। क्लियर। अब बात करते हैं भैया कर्क रेखा से ऊपर की। यहाँ पे देश पड़ता है, ऊपर पड़ता है कनाडा, नीचे पड़ता है यूएसए। तो कनाडा और यूएसए के जो घास के मैदान है उसको बोलते हैं पियरी। क्या बोलते हैं? पियरी। ये भी कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। अगर वो सिंपल कहे कि कनाडा की घास का मैदान को क्या कहते हैं? पियरी। यूएसए की घास के मैदान को कहते हैं? पियरी। वो कहे कनाडा और यूएसए की घास के मैदान को कहते हैं, तो जब भी आंसर पियरी। लेकिन अगर वो स्पेशल में लिख दे कि उत्तरी, उत्तरी कनाडा के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो आंसर आएगा स्टेपी। अगर उत्तरी कनाडा स्पेशल देगा तो स्टेपी है, अगर खाली कनाडा देगा तो पियरी आंसर होगा। क्लियर इस बात को लेकर। बात करेंगे यूरोप की। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप है। तो यूरोप के घास के मैदान को पुस्टाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्टाज। तो बस याद रखोगे आप कि यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्टाज। और कैसे है? शीतोष्ण घास का मैदान है। बात करेंगे चीन की। चीन के घास के मैदान को मंचूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मंचूरिया। मंचूरिया चीन के घास के मैदान को कहते हैं? मंचूरिया। क्लियर इस बात को लेकर। कैसा है? शीतोष्ण है। और एक बात ध्यान रखें, अगर वो कह दे यूरेशिया, वो कह दे कि यूरेशिया, यूरेशिया का अर्थ होता है यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया। अगर आपसे कहे यूरेशिया के घास के मैदान को कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेपीज। स्टेपी। देखो स्टेपीज अलग है, स्टेपी अलग है। तो आप याद रखियो कि स्टेपी अलग है, स्टेपीज अलग है। तो यूरेशिया के जो घास के मैदान है, यूरेशिया का होता है यूरोप प्लस एशिया, तो इसका आंसर आएगा स्टेपीज। क्लियर इस बात को लेकर। चीन के वो मंचूरिया, यूरोप के वो पुस्टाज, उत्तरी कनाडा के वो स्टेपी, कनाडा और यूएसए को पियरी। क्लियर। वेनेजुएला को लाओस, ब्राजील को कैंपास या कंपास, अमेजन नदी के घाटी के घास के मैदान को सेलवास, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, अफ्रीका खाली क्या होगा? पाकलैंड। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका नाम देगा सवाना, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नाम स्पेशल देगा सवाना, और खाली ऑस्ट्रेलिया देगा तो डाउन्स, न्यूजीलैंड देगा तो कैटबरी या कटरीना, अगर कैटबरी ऑप्शन में नहीं है, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देगा। तो बच्चों ये हो गया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और ये हो गए शीतोष्ण घास के मैदान। तो आज के लिए इसमें इतना ही काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सही बच्चे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो।